अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रायनास वन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो सुबह हो गई है, आज ये देखिए मैंने सिवई के लिए रख दिया है शीरा बनने के लिए, और इधर मैंने जो दाल भिगाई थी वो फूल गई है अच्छे से। मेरी मेहंदी भी देखिए थोड़ा कम लाल हुई है, क्योंकि जल्दी ही मैंने धुल दिया, लाल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मैंने खुद से लगाया। जब तक शीरा पक रहा है मैं उसको चेक कर रही थी। मैं बोली इधर उधर करने से अच्छा, क्योंकि अभी बहुत टाइम था मेरे पास, नमाज़ बहुत सुबह की थी, नदीम नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो मैं सोची सिवई चढ़ा देती हूँ जल्दी से। तो मैं उसको चढ़ा दी थी और वो अपना धीरे धीरे पक रहा था, तो मैं सोची तब तक मैं और भी कोई काम कर लूँ। आज मैं बना रही थी सीख मलाई बिरयानी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे डली हुई है, आप चेक कर सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल दूँगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं सोची तब तक ये हो रहा है, तब तक मैं सीधा हो रहा है, तब तक मैं अपना सीख जो है उसको बना के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि उस गरम का कोई शॉट नहीं रहता, क्योंकि हमको उसको बिरयानी में जब हम लगाएंगे और बिरयानी दम देंगे तो वो खुद ही गर्म हो जाएगा। इसी वजह से मैंने सीख भी एक साइड में रख दिया कि शीरा के वो साथ साथ सीख भी बन जाए, जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, नहा धो के मैं भी फारिग हो जाऊँ, और बस मैं फिर फटाफट से अपने सीख बनानी रेडी कर दी हूँ। इसकी सीख की भी रेसिपी मेरे चैनल पर डली हुई है, मैं उसका भी लिंक आपको डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं जाके, बनाइएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छी सीख मलाई बिरयानी बनती है, मैंने ईद पे बनाया हुआ था, लेकिन वो अलग बात है कि कोई भी नहीं आया हमारे मुंबई में, क्या है कोई भी नहीं आता, अपने ही पकाओ अपने का, इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया हुआ है। तो मैं फटाफट से पहले सीख रेडी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, नदीम आ गए थे, और फिर हमने मैंने भी नहा धो के मैं भी सो गई, सो के उठी हुई 1 बजे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने सीख मलाई बिरयानी का जो पेस्ट होता है वो मैं बना रही हूँ, और इमाद भी कब अभी उठे हैं 1 बजे के करीब, इसने ये उठा तो मैं इसमें इसको नहला धुला के इसको भी रेडी कर दिया। क्या यहाँ मुंबई में ना बहुत बुरी जैसी ईद होती है, बस हम लोग ये नमाज़ पढ़ के और हम लोग सो गए, और कुछ ये 1 बज रहा है जब हम लोग ने उठे हैं। ईदी भी लेकर आते हैं के लिए, और देके भी आते हैं, देके भी आते हैं। देना भी तो पड़ेगा, सिर्फ लेने ही तो नहीं। बोलो बोलो क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना है, चलो आ गए नीचे। हम आ गए हैं नीचे, अब सारे ये दूसरे दिन का क्लिप है, जब हम जा रहे थे नदीम के मामू लोग से मिलने, क्योंकि ईद के दिन हमारे यहाँ कोई नहीं आया। उसके बाद फिर हम सोचे अब हम भी चलते हैं, घूम के आते हैं। ये इमाद नदीम के मामू के यहाँ जाके उसकी मस्ती शुरू हो गई, देख रहे हैं कैसा शरारत कर रहा है। सॉरी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाया था, क्योंकि तबीयत भी अजीब सी हो रही थी, क्योंकि हर साल हम अपने घर जाते हैं ईद करने, और इस बार यहाँ पे थे, कोविड की वजह से हम जा नहीं पाए थे, इस वजह से हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, और यहाँ कोविड की वजह से किसी का आना जाना भी ज़्यादा नहीं होता। और हर साल तो हम चले जाते थे अपने ससुराल, फिर मैं अपने मैके जाती थी, वहाँ पे ईद बहुत अच्छे से हम बिताते थे, लेकिन इस बार आपको तो पता ही है कोविड है, तो बाहर निकलना सेफ़ नहीं है, और छोटे बच्चे को लेके तो और भी नहीं सेफ है, डर लगता है, तो इसी वजह से हम यहीं पे ईद मनाए। तो ये कुछ तीसरे दिन का वीडियो है, तीसरी ईद थी जब मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो बस वही क्या नाम है, मैं तो किचन में थी, अपना पकाना खिलाना हो कर रही थी जल्दी जल्दी, और नदीम जो हमें हमारे थे वो बार बार आ रहे थे, ले जा रहे थे, क्या करें अब हम अकेले हैं, हम ही दोनों लोगों को गेस्ट भी देखना रहता है और किचन भी देखना रहता है, तो करना ही पड़ेगा ना।
तो बहुत कम ही लोग आए थे, कोई ज़्यादा लोग आना जाना नहीं था, बस कुछ ही गेस्ट आए थे हमारे के यहाँ। तो बस जो भी आए दो चार, मैंने उनका वीडियो शूट करके मैं सोची वही डाल दूँ, जो भी है जैसा भी है वो आपके साथ शेयर करूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो यहाँ से मैं भी किचन से फारिग होकर यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन फ्राई किया हुआ था, बारा बनाया हुआ था, चटनी थी और फिर सेवई थी। बस ईद में तो यही सब लगता है हमारे यहाँ गांव में। यहाँ पे तो शीर खुरमा बनता है, लेकिन हमारे जो हस्बैंड है उनको शीर खुरमा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं गांव वाली सेवई, मीठी सेवई बना के रेडी की हुई थी। तो वो थी वही सब था जो मैंने गेस्ट के आगे रखा हुआ था और सबको बहुत पसंद भी आया माशाल्लाह। अब हम घूम के घर आ चुके हैं, रात के कुछ 10:30-11 बज रहे हैं। तो यहाँ वहाँ पे कहीं भी जाओ तो कुछ भी मीठा वगैरह खाने को हो जाता है, तो इसी वजह से घर आके फिर मैं नदीम को बोली, या मैं चेंज उच करके फारिग होके मैं किचन में आ गई। मैं नदीम को बोली कि चलिए ग्रीन टी मैं बनाती हूँ, ग्रीन टी पी लेते हैं, क्योंकि कुछ भी हैवी खाए रहो तो या मीठा वगैरह, तो ग्रीन टी हमारे लिए सेहत के लिए ज़रूरी अच्छी होती है। तो इसी वजह से यहाँ मैं ग्रीन टी रेडी कर रही हूँ। अब हम पियेंगे ग्रीन टी और इमाद को भी जो खिलाना पिलाना होगा मैं खिलाऊंगी वो उसको, और बस, और उसके बाद अब हम सो जाएंगे। ये हमारी ईद हमारी ऐसी ही बीती। आई होप आप लोग को पसंद आई हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था तो उसके लिए सॉरी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।